हाउस से लेके लावा पूल बेस तक आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे बेस जो काफी ज्यादा ही यूनिक होने वाला है। तो चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो, निकल लेते अपना पहले नंबर के घर के ऊपर जो कि है भाई मशरूम हाउस। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर घर बनाने के लिए सबसे सेफ जगह कौन सा है? ऑब्वियसली मशरूम आइलैंड, क्योंकि मशरूम आइलैंड के अंदर किसी भी तरीके का हॉस्टाइल मॉब स्पॉन नहीं होता है। तो मशरूम आइलैंड के अंदर हम लोग एक शानदार मशरूम हाउस बना सकते है। इस वाले मशरूम हाउस को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। अपने को बस एक रेड कलर का मशरूम उठाना है एंड देन उसके नीचे के साइड को पूरी तरीके से कवर कर देना है। अब बस मशरूम रूम के अंदर को पूरी तरीके से क्लियर कर देना है और अपने को जो भी सामान चाहिए उसको हम लोग आराम से लगा सकते हैं। एंड ये लीजिए अपना मशरूम हाउस बिल्कुल तैयार है। अगर ये वाला मशरूम हाउस छोटा लग रहा है तो इसका बड़ा वर्जन भी हम लोग बना सकते हैं। पहले अपने को एक बड़ा वाला मशरूम चाहिए होगा कुछ इस तरीके का। अब इस वाले बड़ा मशरूम के अंदर हम लोग बड़े आराम से अपना घर बना सकते हैं। घर बन जाने के बाद अपने को साइड साइड में भी छोटा छोटा मशरूम उगा लेना है। उसके बाद साइड वाले मशरूम के अंदर भी घर को अच्छे से सेटअप कर लेना है। एंड ये देख लीजिए भैया अपना बड़ा वाला मशरूम हाउस बिल्कुल तैयार है। दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और इसके अंदर स्पेस भी बहुत ज्यादा है। देखो अगर स्पेस की बात चल ही रहा है तो चलते हैं अपना नेक्स्ट वाला घर के ऊपर जो कि है माइनक्राफ्ट का सबसे छोटा घर। देखो इससे छोटा घर माइनक्राफ्ट के अंदर हो नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप डोर का घर है। अभी देखो छोटा घर है इसका मतलब ये नहीं कि कोई सामान देखने को नहीं मिलेगा। माइनक्राफ्ट के अंदर सर्वाइवल में हम लोग जो जो सामान का इस्तेमाल करते हैं वो हर एक सामान इस वाले घर के अंदर देखने को मिलेगा। देखो इसके अंदर अभी भी जगह है, हम लोग और सामान भी ऐड कर सकते हैं। यार घर हो तो ऐसा हो भाई, 2 मिनट में बन जाएगा और काफी कमाल का है। खैर कोई बात नहीं, निकल लेते अपना नेक्स्ट वाला घर के ऊपर जो कि है भाई ट्री हाउस। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग ओल्ड ग्रोथ स्प्रूस टाइगा बायोम के अंदर जाते हैं तो अपने को ऐसे बड़ा बड़ा स्प्रूस ट्री देखने को मिलता है। देखो इस वाले स्प्रूस ट्री के अंदर ट्री हाउस बनाना सबसे आसान होता है। बस अपने को कुछ बेसिक चीजें करना है एंड अपना ट्री हाउस तैयार हो जाएगा। देखो बनाना भी बहुत ज्यादा आसान है एंड काफी अच्छा भी दिखता है। यही वाला सेम ट्री हाउस हम लोग जंगल ट्री के ऊपर भी बना सकते हैं। लेकिन एक ही चीज का ध्यान रखना है, ये वाला ट्री हाउस पूरी तरीके से सेफ नहीं है। इस वाले ट्री हाउस में भी हम लोगों के ऊपर फैंटम अटैक कर सकता है। देखो ट्री हाउस तो बढ़िया था लेकिन एक सीक्रेट बेस कैसा रहेगा? एक ऐसा बेस जिसको ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर पाउडर स्नो को हम लोग बुरी तरीके से इग्नोर मारते हैं, क्योंकि अगर हम लोग लेदर के बूट्स नहीं पहनते तब भाई पाउडर स्नो के ऊपर चलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इस वाले कमजोरी का इस्तेमाल करके हम लोग एक सीक्रेट बेस बना सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर हम लोग इस लोकेशन पे आएंगे तो अपने को देखने को मिलेगा पाउडर स्नो, तो हम लोग इग्नोर मारेंगे सिंपल। लेकिन अगर हम लोग लेदर के बूट्स पहन के पाउडर स्नो के अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो अपने को देखने को मिलेगा एक सीक्रेट बेस। देखो इस वाले बेस को बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अपने को पहले स्नो बायोम के अंदर जाना है एंड देन हिल के अंदर अपने को एक सीक्रेट बेस बना लेना है। उसके बाद बेस के एंट्रेंस में अपने को बहुत सारा पाउडर स्नो डाल देना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ही ज्यादा तगड़ा भी है। और ऐसे ही तगड़े वाले हाउस के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है भाई। इस वीडियो का लाइक गोल रखते 2600 लाइक प्लीज करवा दो, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। देखो सीक्रेट हाउस तो बढ़िया था लेकिन एक ऐसा घर कैसा रहेगा जिसको हम लोग 1000 TNT से भी नहीं फोड़ सकते? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट के एक ऐसे घर के बारे में जिसको फोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट एक चार्ज क्रीपर भी इस घर को नहीं फोड़ सकता है। ये वाला घर बना है भाई नया वाला कॉपर ग्रेड ब्लॉक से। देखो ये तो हम सबको पता है माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग कॉपर ग्रेड ब्लॉक को वाटर लॉक कर सकते हैं, और वाटर लॉक्ड ब्लॉक को हम लोग किसी भी तरीके से माइनक्राफ्ट के अंदर TNT से नहीं फोड़ सकते। इसीलिए अगर हम लोग वाटर लॉक्ड कॉपर ग्रेड ब्लॉक से घर बनाते हैं तो उसको फोड़ना इम्पॉसिबल है। और तो और मजे की बात ये है कि अगर कॉपर ग्रेड ब्लॉक नहीं है तो फिर हम लोग इस घर को भाई सिर्फ और सिर्फ वाटर लॉक्ड लीव्स के मदद से भी बना सकते हैं, सेम तरीके से काम करता है। और तो और हैरानी की बात ये है कि ये वाला घर दिखने में काफी ज्यादा अच्छा है, वही पे अगर हम लोग ऑब्सीडियन से घर बनाते हैं तो फिर वो काफी ज्यादा ही खराब दिखता है। इस वाले घर को तोड़ना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम लोग इस घर को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। तो मल्टीप्लेयर वर्ल्ड में ये वाला घर काफी अच्छा काम करेगा। खैर निकल लेते अपना नेक्स्ट वाला घर के ऊपर जो कि भाई इनविजिबल हाउस। जी हाँ, ये वाला घर दिखता नहीं है। देखो ये तो हम सबको पता है माइनक्राफ्ट के
अंदर अगर हम लोग सलकर बॉक्स को थोड़ा सा दूर से देखते तो वो भाई गायब हो जाता है। बिल्कुल दूसरा ब्लॉक तो दिखता है लेकिन सलकर बॉक्स नहीं दिखता है। अभी यही वाला टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग आसमान के ऊपर एक बढ़िया सा घर बना सकते हैं जो कि नीचे से बिल्कुल नहीं दिखेगा। जैसे कि ये वाला आइलैंड बना है भाई पूरा का पूरा सलकर बॉक्स है और ये वाला आइलैंड भाई नीचे ग्राउंड से बिल्कुल नहीं दिखता है। इसको देखने के लिए अपने को थोड़ा सा ऊपर आना पड़ता है। तो काफी बढ़िया सीक्रेट बेस है लेकिन अगर किसी के पास इलाइट्रा होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई। खैर साइड से निकल लेते और चलते अपना नेक्स्ट वाला हाउस के ऊपर। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर एक बहुत ही तगड़ा यूजलेस स्ट्रक्चर है भाई ये आइस स्पाइक्स। जी हाँ बिल्कुल ये एक स्ट्रक्चर है। किस काम में आता है मेरे को नहीं पता भाई। ये बेसिकली पैक्ड आइस से बना हुआ होता है लेकिन मेरे को ऐसा लगता है आइस स्पाइक्स घर बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है भाई। बड़े आराम से अंदर का सारा आइस को निकाल दो और अंदर भाई सामान वामान सेट कर दो और थोड़ा बहुत विंडो वगैरह अगर हम लोग डाल देंगे तो ये एक बहुत ही बेहतरीन घर में कन्वर्ट हो सकता है। बात आओ यार इससे बढ़िया घर मिल सकता है क्या? देखो यार अगर स्ट्रक्चर की बात चल ही रहा है तो बात करते हैं माइनक्राफ्ट का बिल्ट इन हाउस इग्लू के बारे में। जी हाँ क्यों नहीं भाई, इग्लू माइनक्राफ्ट के अंदर एक परफेक्ट घर है। बस जाके रहना है उसके अंदर। जो भी सामान अपने को सर्वाइवल के अंदर चाहिए होता है सारा का सारा इग्लू के अंदर मिल जाता है। जैसे कि एक बेड देखने को मिलता है, एक फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल भी देखने को मिलता है। कुछ कुछ इग्लू के अंदर नीचे एक बेसमेंट भी होता है जिधर विलेजर और ब्रूइंग स्टैंड भी होता है। तो पूरा कंप्लीट पैकेज है भाई। बस इग्लू के सामने एक दरवाजा लगा दो काम खत्म भाई, एक पूरा का पूरा घर तैयार है। देखो इग्लू तो बहुत ही ज्यादा सेफ जगह है। माइनक्राफ्ट के अंदर सबसे खतरनाक जगह कौन सा है जिधर हम लोग घर बना सकते हैं? वो है भाई लावा। बिल्कुल लावा के अंदर कौन ही घर बनाता है, इसीलिए लावा के अंदर हम लोग सबसे बेहतरीन सीक्रेट बेस बना सकते हैं। जैसे कि इस लावा पूल को देख के बहुत ही नॉर्मल लावा पूल लगेगा लेकिन अगर हम लोग इस लावा पूल के अंदर कूद जाएंगे तो फिर हम लोग पहुंच जाएंगे अपने सीक्रेट बेस के अंदर। अभी तुम लोग कहोगे अंदर तो आ गया लेकिन बाहर कैसे निकलेगा, फंस गया ना? देखो बाहर निकलना बहुत सिंपल है, अपने को बस एक एंडर पल फेंकना है एंड बूम हम लोग बाहर। देखो इस बेस को बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हम लोगों ने बस साइन के मदद से दो लेयर बना लिया है। नीचे है भाई वाटर का लेयर और सबसे ऊपर है भाई लावा का लेयर। बाकी तो तुम लोगों को पता ही है। देखो कुछ भी कहो बहुत ही मस्त जगह है सीक्रेट बेस बनाने के लिए। देखो अगर ज्यादा मगजमारी करना नहीं है उसका भी जुगाड़ है भाई। माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर देखो मिलता है जिधर जाके हम लोग बड़े आराम से अपना बेस बना सकते हैं। जैसे कि सिपरैक, ऑब्वियसली अगर कोई सिपरैक जमीन के ऊपर है तो हम लोग बड़े आराम से उसके ऊपर अपना बेस बना सकते हैं। भाई सिंपल बेस तो छोड़ो बहुत ही अलग लेवल का बेस बन सकता है सिपरैक के ऊपर। खैर साइड से निकल लेते और चलते अपना नेक्स्ट वाला हाउस के ऊपर। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर ट्री हाउस का काफी ज्यादा वैरायटी देखने को मिलता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ओक ट्री के अंदर भी बढ़िया सा ट्री हाउस बना सकते हैं। अगर ज्यादा बड़ा ट्री हाउस चाहिए तो फिर ये वाला ट्री हाउस कैसा रहेगा? इस वाले ट्री हाउस के अंदर अच्छा खासा सामान आ सकता है। और तो इस वाले ट्री हाउस को बनाना भी बहुत ज्यादा सिंपल है। अपने को पहले भाई ओक सैपलिंग का एक छोटा सा घेरा टाइप का बना लेना है एंड देन बोन मिल करके सारा का सारा पेड़ को बड़ा कर देना है एंड थोड़ा सा इधर उधर करने के बाद अपना घर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो चलो जी भैया इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं।